उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुई बाहुबली अतीक अहमद की हत्या के बाद उस उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिसके मर्डर केस में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत शुरू हुआ। 24 फरवरी से सारे घटनाक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद 51वें दिन अतीक अहमद की हत्या के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ है। प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में अतीक अहमद की हत्या के बाद उमेश पाल के घर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर प्रयागराज पुलिस के तमाम जवानों तक सुलेम सराय स्थित उमेश पाल के घर पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उमेश पाल के परिवार से पुलिस अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। घटना के बाद से उमेश पाल की पत्नी और उसकी मां ने अपने आप को घर में कैद कर लिया है। प्रयागराज में हुई इस घटना की गूंज राजधानी लखनऊ तक सुनाई दे रही है, जहां सीएम योगी के घर जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। सीएम योगी के कालिदास मार्ग स्थित आवास पर फिलहाल किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी कालिदास मार्ग के चौराहे पर ही रोक दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना के बाद तमाम इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिले के पुलिस कमिश्नर से लेकर छोटे पुलिस अधिकारियों तक सभी ने सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था की स्थिति संभाली है। वहीं सीएम योगी ने रात करीब 3 बजे तक मीटिंग करके और डीजीपी को प्रयागराज के लिए रवाना किया है। उत्तर प्रदेश में हुई इस बड़ी घटना के बाद सबसे ज्यादा नजर उमेश पाल के घर पर है। वही उमेश पाल जिसकी मां ने कहा था कि अतीक अहमद पर कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगी, आज उसी उमेश पाल के घर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जिससे उसके घर वालों को किसी भी आक्रोश या किसी भी अप्रिय घटना का शिकार न होना पड़े। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होने के बाद उसी के किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई थी। इस मामले में अशरफ अहमद को बरी कर दिया गया था। अतीक अहमद ने कोर्ट से जेल जाने के दौरान ये कहा था कि वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि मीडिया के लोग उसके साथ हैं। अतीक अहमद ने कई मौकों पर मीडिया को धन्यवाद दिया था, लेकिन अशरफ ने ये कहा था कि उसे एक पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि 2 हफ्तों के भीतर उसे किसी बहाने से जेल से निकाला जाएगा और उसकी हत्या करा दी जाएगी। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है, हाँ, कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का अशरफ का यह अंदेशा सही भी साबित हुआ। करीब 2 हफ्ते बाद ही अशरफ अहमद और अतीक अहमद को बरामदगी के नाम पर थाने से निकाला गया और उसके बाद उसकी जान चली गई। इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में काफी चर्चा है। सुलेम सराय से लेकर अतीक अहमद के घर चकिया मोहल्ले तक पुलिस की भारी तैनाती है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर सवाल है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर पुलिस की अभिरक्षा में 2 हाई प्रोफाइल कैदियों को गोली कैसे मार दी गई। NBT ऑनलाइन की।